हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाई फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए फॉर्म को कैसे फिलअप करें शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुले के शो होगा और यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा फिल करते हैं। फिल करने के बाद करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखो हमारे पास ये इस तरह का मेरा नाम लिखकर आ गया है कैंडिडेट का। इसको करते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही है तो इस तरह का आपको इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम है, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आपकी जितनी एज हो चुकी है वो दे रखी है, आपका जेंडर है, यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कीजिए, और यहाँ से अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो ऐसे नो कर दीजिए जैसा भी आपका हो। आपको यहाँ से सेंटर चूज करने हैं तो हम सेंटर चूज कर लेते हैं अपना। हमारा यहाँ पे बोर्ड है, सेंटर चूज करते हैं। मेरा पहला सेंटर लखनऊ रहेगा, सेकेंड सेंटर चूज करते हैं हम, दूसरा मेरा प्रयागराज रहेगा और दूसरा सेंटर हम कानपुर सेलेक्ट कर लिए हैं। फिर तो पूछ रहा है वेदर एक सर्विस में, अगर आप एक सर्विस में हैं तो ऐसे नो कर दीजिए, मैं तो नो कर दे रहा हूँ। फिर पूछ रहा है यहाँ पे हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन द सिविल पोस्ट, तो यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, पहले से ही डन है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप एज रिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं, एज भी छूट जाते हैं कि नहीं, तो मैं तो नहीं चाहता हूँ तो नो कर दिया। अब यहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको फिलअप करनी है कि कौन से स्टेट में आपको जॉब लेनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। और यहाँ पे डिटेल में जा कर के देख सकते हैं, यहाँ पे सभी स्टेट के लिए उनका कोड दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको भर के कंप्लीट कर लिया है, पहले परफॉर्मेंस भरा उसके बाद में उसका वेरिफिकेशन कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं। नीचे क्लिक करने के बाद में हमको पूछ रहा है कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो भी हमारा हाईएस्ट है वो यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। तो मेरा इंटरमीडिएट है, मैं इसको कर लेता हूँ। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, किसके एवेल्युएट है, मतलब ये 10th स्टैंडर्ड के एवेल्युएट है, वैल्यूएट 10th स्टैंडर्ड। यहाँ से हम लोग अपना स्टेटस सेलेक्ट कर लेते हैं, पास हो चुके हैं 10th में, और यहाँ पे 10th की ही जानकारी भरनी है आपकी, 10th आपने कब पास किया था। हमने 2012 में पास किया है। आप अपने बोर्ड का नाम भर लेते हैं, जो भी आपका बोर्ड है। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा यूपी है। और यहाँ से यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लिया, यूपी बोर्ड था मेरा। यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना बोर्ड की डिटेल भर ली है। और यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द एक्सिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द यूपीटीएस। इसका मतलब कि आप अपनी पर्सनल डिटेल टीसीएस को देना चाहते हैं जिससे कि आपको प्राइवेट जॉब मिल सके, तो हम तो इसमें कर दिए हैं एस। अब इसके बाद में चलते हैं नीचे। यहाँ पे आपको देखो आपका एड्रेस लिखा हुआ है और नीचे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लगानी है अपनी, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ चूज करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटोग्राफ 20 से 50 के बी का होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 10 से 20 के बी के बीच में और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फ़ोटो के ऊपर आपकी डेट मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखना चाहिए कि क्योंकि फ़ोटो है जैसे आपकी 4 फरवरी को, तो यहाँ पर लिख रहा होना चाहिए और फिर यस करना है यहाँ पे। तो फ़ोटो चूज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपने अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पे जो फ़ोटो पे डेट है वो मेंशन कर दी है और यहाँ पर यस कर दिया है। अब नीचे की तरफ करते हैं कि यहाँ पे हमने कैप्चा को फिल कर दिया है। कैप्चा फिल करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने से पहले हम एक बार फॉर्म को फिर से चेकअप कर लेते हैं पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक।
कि सारी चीज़ सही भरी हुई है कि नहीं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छे से फिलअप हुआ है। और कर देते हैं प्रीव्यू पे क्लिक। क्लिक करने के बाद भी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने शो हो रहा है। यहाँ पे हमारी सभी पोस्टें दी हुई हैं, हमने कौन कौन सी फिलअप की हैं इसमें। यहाँ से एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है सबमिट। यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक कर दिए। लिखा यू कैन नॉट एडिट आफ्टर द फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल केयरफुली, क्लिक ओके। यू वांट टू सबमिट, ओके पे क्लिक कर दिया हमने। एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। यहाँ पे हमारी फीस तो भरी नहीं थी क्योंकि हमारे फीमेल का फॉर्म था, इसलिए ओके करते हैं। अब देखते हैं, फिर से आ चुके हैं। अब यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पे आके चेक कर सकते हैं हम अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस। सक्सेसफुल प्रोविजनली एक्सेप्टेड, फोटो सिग्नेचर एक्सेप्टेड, फॉर्म अप्लाई एक्सेप्ट हो गया, फीस मेरी भरनी नहीं थी और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड हो चुका है। यहाँ से कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद में लॉग आउट। तो दोस्तों बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।